देंगे हम इस क्लास के माध्यम से जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है, वीटो पावर शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, उन पे मैं बात करूंगा। एक एक पॉइंट को इस क्लास के को ध्यान से सुनना है, बस सुनने के साथ ही सारी वीटो पावर क्लियर हो जाएगी जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ ही है, वीटो पावर ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात जानो, जो जानने की है, कई बार आपसे कोई पूछ भी सकता है, वीटो पावर जो ये शक्तियाँ जो भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं, ये जो वीटो पावर शक्तियाँ, इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, कोई भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्या ये संवैधानिक प्रावधान है? ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी कि इन्हें विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, संवैधानिक प्रावधान वो होता है, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते होंगे आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल घोषित करना, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करना, ये होता है संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कहीं भी वीटो पावर की जो शक्ति है, वीटो पावर है, वो कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। और ये जो वीटो पावर दी गई है भारत के राष्ट्रपति की, सबसे पहला पॉइंट यही है जो हमें क्लियर करना है कि संविधान में जो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, यानी कि ये फॉर्मल प्रोसेस है जो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो देखो, जो हमने वीटो पावर देखी है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट याद रखने का है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कोई आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि वीटो पावर, चूंकि अभी हम वीटो की बात कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा समझेंगे कि ये शायद संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में है। तो ये बात समझ लेनी है, वीटो पावर भले ही भारत के राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, यानी कि ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार दिया गया है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो ऐसे ही व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति को दे दी गई है, वीटो पावर। तो पहले तो याद रखेंगे, वीटो पावर तीन प्रकार की होती है, राष्ट्रपति की तीन प्रकार की वीटो पावर होती है। सबसे पहली वीटो पावर का नाम है अत्यंतिक वीटो, या फिर इसको कहा जाता है पूर्ण वीटो, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो, ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए तीनों नाम, ठीक है। अब क्या होती है वीटो पावर, जब कोई विधेयक, समझ रहे हैं, संसद से पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के वहां पर पहुंचता है साइन के लिए, समझ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति अगर उस विधेयक पर सीधे तौर पर मना कर देते हैं, यानी कि एकदम डायरेक्टली बोलकर मना कर देते हैं कि मैं इस विधेयक पर सहमति नहीं दूंगा, राष्ट्रपति की इस शक्ति को ही क्या कहा जाता है, अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो, ये होती है पहली वीटो, जो अच्छी तरीके से याद रखना, यानी कि डायरेक्टली मना कर देना। दूसरी वीटो क्या होती है, दूसरी वीटो होती है निलंबनकारी वीटो, अच्छी तरीके से याद रखना, निलंबनकारी वीटो, या फिर इसकी इंग्लिश में कहा जाता है इसे सस्पेंशन वीटो, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, जब संसद से कोई विधेयक पास होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, दो विधेयकों को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसको ऐसा कह सकते हैं मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल, दो विधेयकों को छोड़कर बाकी किसी भी विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, कह नहीं देता कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति के इस पुनर्विचार वाले लौटाने वाले विधेयक को ही क्या कहा जाता है,
निलंबनकारी वीटो, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति को ही क्या क्या कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है सस्पेंशन वीटो। ठीक है, इस शक्ति का सबसे पहले प्रयोग आर वेंकट रमन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, यह हमें याद होना चाहिए। ये कई बार कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा या फिर SI की भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, आर वेंकट रमन। ठीक है, तीसरी वीटो पावर होती है आपकी JB वीटो, अच्छी तरीके से याद रखना, और इसको इंग्लिश में कहा जाता पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जब उनके पास कोई विधेयक पहुंचता है संसद से पास होने के बाद, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को ना तो अपनी अनुमति देते हैं ना ही मना करते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ना तो अपनी अनुमति देंगे ना ही अनुमति मना करेंगे, और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, यानी कि तीनों चीजें, ना तो अनुमति देनी है, ना अनुमति देंगे, ना पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, और ना ही मना करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की इस शक्ति को JB वीटो शक्ति कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। ये हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि JB वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे 1986 में, ध्यान से सुनना, 1986 में, ये जो सन है ये आपके हमेशा याद होना चाहिए, ये कभी पूछा जाएगा कि किस सन में, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, जो कि पहले सिख राष्ट्रपति भी थे, अच्छी तरीके से याद रखना, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डांग संशोधन विधेयक के संबंध में शक्ति का प्रयोग किया था, ये हमें याद होना चाहिए। ये है राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्तियां, जो मैंने इस क्लास के माध्यम से बताई, DKF क्लास के माध्यम से। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।